पर्सन, जो कि सबसे मेन चीज है इस चैप्टर का, सबसे मेन जिससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, एंगल्स इन अ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल क्या होता है, जैसे देखिए अगर दो लाइन पैरेलल है, अभी हम लोग पैरेलल लाइन डिस्कस किए थे, ये एक लाइन है एल और ये एक लाइन है एम, दोनों लाइन क्या है आपस में पैरेलल है, और एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, ट्रांसवर्सल मतलब एक थर्ड लाइन उसको कट कर रहा है, एन क्या है एन एक लाइन कट कर रहा है, ये क्या है इसको बोलेंगे ट्रांसवर्सल, तो एक एन एक लाइन कट रहा है। तो हम लोग क्या क्या प्रॉपर्टी हो, कुछ प्रॉपर्टी होता है जब दोनों लाइन पैरेलल हो, तो जब एल और एम पैरेलल हो और कुछ एंगल्स बन रहा है, देखो ये एक एंगल, कितना एंगल बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल्स हमको दिख रहा है कि 8 एंगल्स बन गया। इस एंगल्स में कुछ कुछ रिलेशन होता है जो कि अगर पैरेलल हो तो वो प्रॉपर्टी वेरीफाई होता है, वो प्रॉपर्टी वो फॉलो करता है। क्या क्या फॉलो करता है, पहले समझिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है। जैसे हम लोग स्टैंडर्ड 7 में ये टॉपिक पढ़ चुके हैं, उसी का थोड़ा एक्सटेंशन है। ये एंगल इस लाइन और इस लाइन, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो इस लाइन के ऊपर वाला और इस लाइन के ऊपर वाला, ये दोनों एंगल, एंगल 1 और एंगल 5 आपस में कौन सा पेयर बनाता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या, देखो फिर से ये दोनों लाइन पैरेलल, इसके ऊपर वाला और इसके ऊपर वाला एंगल आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बना रहा है। और भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर बन रहा है, इसके ऊपर वाला 2 और इसके ऊपर वाला 6, 2 और 6 भी आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बना रहा है, 3 और 7, 4 और 8 भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बना रहा है। जब दोनों लाइन कट कर रहा है तो एंगल तो बन रहा है, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाए, अगर दो लाइन पैरेलल है और फिर कट करेगा तो क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कब इक्वल होगा, जब एल पैरेलल एम होगा तब। तो एंगल 1 और 5 पेयर बना रहा था और दोनों इक्वल हो जाएगा, 2 और 6 इक्वल हो जाएगा, 3 और 7, 4 और 8 आपस में इक्वल हो जाएगा। ये कौन सा प्रॉपर्टी से, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। क्वेश्चन बनाने में प्रॉपर्टी लिखना होता है, इक्वल हो जाता है किस प्रॉपर्टी से, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल समझ गए, लाइन के ऊपर वाला, इसमें भी ऊपर वाला, एक साइड ट्रांसवर्सल के एक साइड। सेकेंड इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। कब इक्वल होगा, जब दोनों लाइन पैरेलल होगा, और इसका वाइस वर्सा उल्टा भी, अगर पैरेलल होगा तो इक्वल होगा, और अगर इक्वल हो जाए तो वो दोनों लाइन हम लोग समझ जाएंगे कि पैरेलल होगा। जैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता क्या है, इंटीरियर, इंटीरियर मीन्स अंदर, इंटीरियर मीन्स अंदर वाला, तो अंदर कौन कौन सा एंगल बन रहा है, दोनों लाइन के अंदर 3 बन रहा है, 4 बन रहा है, 5 बन रहा है, 6 बन रहा है। अल्टरनेट, अल्टरनेट 4 के साथ कौन पेयर बनाएगा, अल्टरनेट 6, ये दोनों तो एक ही साइड है, एक साइड में अल्टरनेट उसको छोड़ के 4 के साथ 6 और 3 के साथ 5, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। कब इक्वल होगा, जब पैरेलल होगा तब, पैरेलल नहीं होगा, पेयर बनाएगा मगर इक्वल नहीं होगा। तो समझ जाओ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, कब, व्हेन एल पैरेलल टू एम। थर्ड प्रॉपर्टी इज अल्टरनेट एक्सटीरियर, एक्सटीरियर मींस बाहर, एक्सटीरियर बाहर, तो बाहर कौन कौन सा एंगल बन रहा है, 2 1 7 और 8, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो 2 के साथ कौन पेयर बना रहा है, 8, 2 और 8 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है और दोनों आपस में इक्वल है, और 1 के साथ कौन पेयर बना रहा है, 7, 1 भी बाहर है, 7 भी बाहर है, और अल्टरनेट है ये इस साइड है और ये इस साइड है, लाइन के दाएं साइड है, लाइन के बाएं साइड है, तो 1 और 7 इक्वल होगा और 2 और 8 इक्वल होगा, कौन सा प्रॉपर्टी से, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो अभी हम लोग 3 प्रॉपर्टी पढ़े, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। चौथा है को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, व्हेन एल पैरेलल टू एम और एक ट्रांसवर्सल कट करेगा, तो को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होता है। इसका क्या मतलब है, को इंटीरियर एंगल होता क्या, पहले ये समझ लेते हैं। पहले अभी हम लोग पढ़े थे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट मतलब उस साइड को नहीं उसके बगल वाला, जैसे हम लोग अभी पढ़े थे 3 और 5 अल्टरनेट है, 4 और 6 अल्टरनेट है, तो को इंटीरियर क्या होगा, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, मतलब इसी साइड का अंदर, अंदर का एंगल 3 4 5 6 है, तो 4 और 5 एक ही साइड है और अंदर भी है, को इंटीरियर एंगल मीन्स एक ही साइड भी है और अंदर भी है, तो वो दोनों सप्लीमेंट्री होगा। अभी हम लोग जस्ट थोड़ा देर पहले इसके पहले वीडियो में पढ़े थे सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल मतलब दोनों को ऐड करके 180 डिग्री आना चाहिए, तो 4 और 5 एक ही साइड है और दोनों को ऐड करके अगर 180 डिग्री आ जाए तो एल पैरेलल एम होगा, और उसका उल्टा अगर एल पैरेलल एम होगा
तो दोनों को इंटीरियर एंगल को ऐड करने से 180 डिग्री आएगा। सिमिलरली 3 और 6 को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। अगर ये दिया हुआ है L पैरेलल M है तो, और दूसरा भी है अगर ऐड करके 180 डिग्री आ जाता है तो हम लोग उसको प्रूफ कर सकते हैं, उल्टा लिख सकते हैं कि L पैरेलल M है। थैंक यू।